मारिसा वाला केस मिस्टर को बता देता है रिन को बताती है कि मेरा पुलिस ऑफिसर फ्रेंड सरूद मर्डर केस पर काम कर रहा है और उसे तुम पर शक है मुझ पर गुस्सा मत करना मैं तो बस पूछ रही हूँ वायु कहता है कि जो कुछ पूछोगी मैं सच बता दूंगा रिन पूछती है की क्या मुझसे प्यार करते हो और वायु के हाँ बोलने पर उसे हक कर लेती है होश में आने पर मायसा भागने की कोशिश करती है और किसी के आने की आवाज सुनकर बेहोश होने का नाटक करती है सानो से उठाता है उसके जाने पर मारिसा उसे हिट करती है पर मिस्टर थिएन आकर ही उसे हिट कर देते हैं मारिसा पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है मिस्टर थिएन उससे वायु के बारे में पूछते हैं मारिसा कहती है कि अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो तुम सबको मार देगा मिस्टर थिएन उसे मारने की धमकी देकर उससे पूछ लेते हैं ये बता देती है कि उसके बारे में बार ओनर सुरासी को सब पता है अंकल सोम वायु से कहते हैं की जब तक जॉब नहीं मिलती मेरे साथ शॉप में हेल्प करा दिया करो बदले में रेंट मत देना वायु कहता है कि ये काम मैं फ्री में कर दूंगा और काम पर लग जाता है गर्ल्स सामान खरीदते हुए वायु के साथ पेट भी करती हैं। वायु स्माइल कर देता है सरूद को पता चल जाता है कि वायु कैसा दिखता है और फोटो क्लिक करके मिस्टर तेन को सेंड करके पूछता है कि क्या यही रिन का फ्रेंड है मिस्टर कहते हैं कि हमने उसका फेस नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि ये किलर है और तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं रिन का इससे मिलना बंद करवा दूंगा सरूत हो के बोल देता है घर आने पर उसके डैड कहते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो ये मेरा ऑर्डर है और रीजन पूछने पर कहते हैं कि पुलिस को लगता है कि वो क्रिमिनल है रिन कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे लाइक भी करती हूँ वे गुस्से में चले जाते हैं और किसी को मारने का काम सुरासी को दे देते हैं उसके बाद विरिन को समझाते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ कि वायु बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है कहते हैं की सैटरडे में होने वाले इवेंट में वायु को बुलाओ मुझे उससे बात करनी है अगर वो मुझे ठीक लगा तो तुम दोनों के रिलेशनशिप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिनू ने थैंक यू बोलती है और वायु से मिलने आ हाँ जाती है वायु पूछता है कि टेंशन में क्यों हो रिन बताती है कि मेरे डैड हमारी रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं पर तुमसे मिलकर कंफर्म करना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो या नहीं और उसे इनविटेशन देकर आने की रिक्वेस्ट करती है वायु हाँ बोल देता है रिन के गैलरी आने पर सरूत वहाँ होता है और उसे सॉरी बोलता है रिन बिना कुछ बोले जाती है सरूत कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन थी इसलिए उस मर्डरर से दूर रहने के लिए कहा था कहती है कि वायु मेरा बॉयफ्रेंड है अगर उसके बारे में बुरा बोलोगे तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म और चली जाती है को अपने सीनियर से डांट पड़ती है है कि वो सिर्फ वायु एक बार के पीछे पड़ा अगर जल्दी क्रिमिनल को ना पकड़ा तो केस किसी और ऑफिसर को दे दिया जाएगा सरूत कहता है की वायु को अरेस्ट कराने के लिए एविडेंस ढूंढ कर रखूंगा बार में आकर टी और माओ को बताता है की मेरी सिस्टर वायु ऐसी मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है दोनों से सुरासी के पास ले आता है बिल उसे भी सब बता देता है वायु इन्विटेशन कार्ड देखता रहता है सरासी उसे कॉल करके बताता है कि मारिसा तुमसे मिलने गई थी पर वापस नहीं आई वायु कहता है कि मारिसा मेरे पास नहीं आई सरासी फोन कट कर देता है और उन्हें बताता है कि मारिसा वायु से नहीं मिली शायद रास्ते में कुछ हुआ है बिन पुलिस कन्फर्म करने के लिए कहता है पर सरासी कह देता है कि तुम घर जाओ मैं उसे ढूंढ लूंगा बिन थैंक यू बोलकर चला जाता है मारी से डरी हुई होती है क्योंकि उसने सुन लिया था कि चार पांच दिन में उसे मार दिया जाएगा थियन सोरासी को कॉल करके कहता है कि जिसे मारना है उसकी डिटेल्स तुम्हें शाम तक मिल जाएंगी सैन आकर सुरक्षी को पांच लाख रुपए देकर कहता है की आधे पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे सुरासी पूछता है की कि किसे मारना है जो थियन इतने सारे पैसे दे रहा है सैन उसे वायु की फोटो दे देता है और कहता है कि पुलिस इसे ढूंढ रही है हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्या तुम्हे कोई प्रॉब्लम है माओ और सुरासी के कुछ ना बोलने पर सन कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा सन कहता है कि रिन को पता नहीं चलना चाहिए कि वायु के साथ क्या हुआ और चला जाता है माओ कहता है कि हम वायु को नहीं मार सकते बॉस पर सुरासी सन को ऑर्डर दे देता है माओ कहता है कि तुमने वायु को मारने का ऑर्डर दे दिया सुरासी कहता है कि काम तो काम है मैंने उसे पहले ही वॉर्न कर दिया था वायु इवेंट के लिए रेडी हो जाता है रिनू से हैंडसम बताती है वायु थैंक यू बोलकर उसके डैड से बात करने की प्रैक्टिस करता है कि हेलो डैड मैं अनाथ हूँ मेरे पास घर जॉब और पैसे नहीं है ये कपड़े भी आपकी बेटी नहीं खरीदे हैं रेनु से सीरियस होने के लिए कहती है वायु कहता है कि टेंशन मत लो मैं तुम्हारे डैड को कन्विंस कर लूंगा और उसे हक कर लेता है मारिसा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और पुलिस के लिए एविडेंस में ड्रग्स भी उठा लेती है भागते उसे मिस्टर थे मिल जाते हैं और उसे फिर से पकड़ लेते हैं रिक्वेस्ट करती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी पर मिस्टर थियन उसे ड्रग्स की ओवरडोज दिला देते हैं जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है मिस्टर स्माइल कर देते हैं रात में सैन उसे कचरे के पास छोड़कर चला जाता है माओ बॉस से अब भी डिसीजन चेंज करने के लिए कहता है पर सुरासी कहता है कि अगर हमने वायु को ना मारा तो थे किसी और से मरवा देगा मरना तो उसे ही है रेडी होते हुए वायु अपनी गन वापस रख देता है अंकल सॉम भी आकर ऐसी बताते हैं और अपने वॉच देकर कहते हैं की ये मेरा चार्म है इससे तुम्हें भी सपोर्ट मिलेगा वायु थैंक यू बोलकर वॉच पॉकेट में डालकर चला जाता है इवेंट पार्क में हो रहा है सन वहां आ जाता है इवेंट स्टार्ट होने पर रिन वायु को कॉल करके पूछती है की तुम कहाँ हो वायु कहता है की बाइक पार्क करके आ रहा हूँ वायु वॉच पहनता है पर उसके नहीं आती तभी सन वहाँ आ जाता है वायु पूछता है की यहाँ क्या करने आए हो वे कह देता है कि बॉस ने किसी काम से भेजा है मेरे साथ चलो और उसे गन पॉइंट पर लाकर कार में बैठा लेता है माँ उन्हें देख लेता है का वेट करती रहती है वायु पूछता है कि क्या मुझे मारने का ऑर्डर अंकल ने दिया है और सन के यहाँ बोलने पर कहता है कि क्या अंकल ने ये नहीं बताया कि उसे दूर से मारना है सन रिजन पूछता है वायु बताता है क्योंकि उन्हें पता है मैं गन्स आसानी से छीन सकता हूँ दोनों तो की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है माओ कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है दोनों एक दूसरे को हिट करते रहते हैं रिन में बिजी हो जाती है वायु कहता है कि रुक जाओ मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता सन कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा सुरासी वायु से कहता है कि इसे छोड़ छोड़ दो वायु देता है उसे अपने सामने देख कर सुरासी स्माइल कर देता है और कहता है की मुझे पता था सन इसे नहीं मार पाएगा और गेम यही पर एंड करके सन से जाने के लिए कहता है सन कहता है की इसे मार कर जाऊंगा माओ से रोक देता है और सुरासी भी मना करता है और सुजाने के लिए कहता है सनवायु को देख कर जाता है और जाते हुए गन उठा कर उसे शूट कर देता है सुरासी सन को हाथ पर शूट कर देता है पर सन भाग जाता है माँ और सुरासी वायु को देखते हैं इवेंट पूरा हो जाता है और वायु का फोन भी नहीं लगता मिस्टर थेन कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड तो आया ही नहीं कहती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा मिस्टर थियन कहते हैं कि मतलब तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो रिन कहती है कि उसने कहा था वो आएगा मैं उसका वेट करूंगी और उसे कॉल करती रहती है वायु बार में होता है सुरासी कहता है कि तुम लकी हो जो बुलेट तुम्हारे पॉकेट में पड़ी वॉच पर पड़ लगी वायु कहता है कि मुझे जिंदा छोड़ने के लिए थैंक यू अंकल सुरासी कहता है कि मैं तुम्हें मंडी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुरासी ने किसी को मारा था उसके घर पर सुरासी की गर्लफ्रेंड थी किसी के गेट खोलने पर सुरासी से भी शूट करता है पर बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है अंदर उसी का बेटा वायु था और उसने सुरासी से प्रॉमिस लिया था कि वो वायु का ध्यान रखेगा वह बताने वाली होती है कि वायु का डैड कौन है पर उससे पहले ही मर जाती है वायु के जाने पर सुरासी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो वायु कहता है कि रिन से मिलने चुरासी उसे बता देता है कि तुम्हें मारने का ऑर्डर उसके बाप ने ही दिया था वो तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेगा वायु कहता है कि फिर भी जाऊंगा और बाय बायर चला जाता है सरूत के आने पर रिन को लगता है कि वायु आया है सरूत वायु के बारे में गलत बोलता है और ऋण के मना करने पर बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता ऋण उसे देखती है और चली जाती है बाहर उसे वायु मिल जाता है वे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है

थियन के आने पर सुरासी उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि मैं वायु को नहीं मार सकता कहता है कि मैं किसी और से मरवा दूंगा कहता है कि अगर तुमने वायु को मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा और सैन के निकालने पर कहता है कि ब्रिफ केस में बॉम्ब है और रिमोट माओ के पास तुम तो अपनी बेटी को संभालो मैं वायु को रोक लूंगा और चला जाता है वायु को घर ला अपनी सारी गन्स दिखाकर बता देता है की मैं एक शूटर हूँ मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे एक शूटर ने पाला था और मुझे भी यही काम सिखा दिया था कहती है कि तुम लोगों को मारते हो वायु बताता है कि सिर्फ बुरे लोगों को मारता हूँ जो मरना डिजर्व करते हैं। पर मिलने के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया क्योंकि मैं एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ रिन कहती है कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो वायु कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता ऋण पूछती है कि अब मैं क्या करूँ वायु कहता है कि मर्जी तुम्हारी है मुझे भूल कर यहाँ से जा सकती हो या अपने फ्रेंड को बुलाकर अरेस्ट करा सकती हो रिन रोती रहती है मिस्टर को रिन की टेंशन होती है सैन बताता है है बताता कि कि सुरासी ने बताया कि उसे पता चल गया है कि आपने उसे मारने का ऑर्डर दिया था वे कहते हैं कि अब वो रिन को हर्ट करेगा सरुत पूछता है कि कौन रिन को हर्ट करेगा और आपने क्या ऑर्डर दिया था रिन भी सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है मिस्टर को घर कर रिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा रिन बता देती है कि उसने कहा कोई उसे मुझसे मिलने नहीं देना चाहता वे पूछते हैं कि क्या उसने नाम भी बताया रिन कह देती है कि उसने नहीं बताया पर अभी अभी मुझे पता चल गया वे उसे वायु से मिलने से मना करते हैं और इनके मना करने पर उसका फोन लेकर कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और चले जाते हैं